हाय एवरीवन, दिस इज़ साबिर खान। प्यारे दोस्तों, आज से मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें हम लोग देखेंगे जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, साथ ही साथ इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट देखेंगे और जो सुप्रीम कोर्ट ने जो इम्पोर्टेंट जजमेंट दिए अभी तक के हमारे 70 साल की हिस्ट्री में, तो उसको भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग थोड़ा बेसिक्स चीज़ें देख लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन होता है क्या। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन एक फ्रेमवर्क होता है या फिर कुछ प्रिंसिपल, बेसिक्स प्रिंसिपल होते हैं या फिर बेसिक्स लॉज होते हैं, जिसमें डिफाइन किया जाता है कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल स्ट्रक्चर कैसा रहेगा उस कंट्री का, उस देश का, उस स्टेट का। साथ ही साथ उस देश में रहने वाले जो लोग हैं उनके फंडामेंटल राइट्स दिए जाते हैं, इसे ही कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। वैसे कॉन्स्टिट्यूशन एक ब्रॉड कंसेप्ट है, तो उसकी डेफिनेशन भी पॉलिटिकल एक्सपर्ट अपने अपने हिसाब से डिफाइन की करते हैं। एक बेसिक्स डेफिनेशन मैंने बनाने की कोशिश की और एक लिखी भी है नीचे, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, आपको दिखाई दे रही होंगी। तो हम लोग देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की शुरुआत कैसी हुई, इसके रूट्स कहाँ पे हैं। स्टार्ट तो एक कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले अडोप्ट किया था यूनाइटेड स्टेट ने 1789 में। उसके बाद में फिर एक एक करके यूरोपियन कंट्री, फिर एशियन, फिर अफ्रीका, ऐसा करके आज लगभग सारे कॉन्टिनेंट में लगभग सारे देश जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को फॉलो करते हैं, यानी डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हो चुकी है। तो ऐसा कुछ था। उससे पहले जो एक नंबर पे यूनाइटेड किंगडम के बारे में जो दिया है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। बचपन से मुझे पता है, हम लोग बचपन से मैंने सुना है कि इंग्लैंड में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो इसका मतलब वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं, ऐसा नहीं है। अब रिटन कोई एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है वहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है या बहुत सारे लॉ समय के हिसाब से बनते गए हैं, तो वो ही उनका कॉन्स्टिट्यूशन है एक पूरा, उससे उनका एक फ्रेमवर्क तैयार हुआ है। तो उसकी शुरुआत हुई थी मैग्ना कार्टा से 1215 में। उस समय के जो राजा थे किंग जॉन, उनके और कुछ रिबिलियंस के बीच में एक एग्रीमेंट बनाया गया था, या फिर उसको ग्रेट चार्टर बोलते या फिर मैग्ना कार्टा बोलते। तो उसमें कुछ रूल्स, कुछ नियम या कुछ लॉज बनाए गए थे, लिखे गए थे, जो कि सबके लिए थे, वहाँ के लोगों के लिए, चर्च के लिए, और जो राजा था उसके लिए, ख़ुद के लिए भी। यानी रूल वहाँ से आगे रूल किसका रहेगा, उन लॉ का, उन नियमों का, उन रूल्स, उन प्रिंसिपल का रहेगा, यानी रूल ऑफ लॉ रहेगा। और यहीं से कि नहीं रूल ऑफ लॉ की शुरुआत हुई। और उसके साथ साथ उस ही मैग्ना कार्टा, उसी चार्टर में वहाँ के लोगों के कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे, जैसे इंडिविजुअल लिबर्टी के बारे में कहा गया था, ट्रायल के बारे, फ्री ट्रायल के बारे में बात की थी, राइट टू जस्टिस के बारे में बात की थी। ये कुछ फंडामेंटल राइट्स तब दिए गए थे। और यहीं से कहीं ना कहीं रूल ऑफ लॉ और डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई, यही उसकी रूटें हैं। जो आज मॉडर्न वर्ल्ड हम जो देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी जड़ें यहाँ पर हमें मिलती हैं। आप देखते होंगे ना फंडामेंटल राइट, हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें भी आपको ये सारी चीज़ें दिखेंगी। तो यहाँ से शुरुआत हुई। फिर उसके बाद में वहाँ पर बहुत सारे कॉमन लॉज बने, स्टैट्यूट लॉ बने, वहाँ की जो कोर्ट ने बहुत सारे जजमेंट दी थी, तो वो भी एक तरह प्रिंसिपल इस्टेब्लिश हुए। फिर इंग्लैंड का हमको पता है कि बहुत एक लंबा और एक बहुत ग्लोरियस इतिहास रहा है, तो उस इतिहास में या फिर उस जो एक लंबा दौर था उसमें कुछ कन्वेंशन डेवलप हो गए थे, तो वो भी आज भी एक रूल की तरह, एक लॉ की तरह वहाँ पे आज भी कायम है। उसके बाद में यूरोप का, वहाँ पे यूरोप के कुछ लॉज थे या फिर कानून थे, उनका भी काफ़ी असर पड़ा था, तो वो भी उसके साथ इनबिल्ड होते गए। उसके बाद में आया द बिल ऑफ राइट्स 1689 में। यहाँ पे क्या हुआ, जो मोनार्की थी वो कम्प्लीटली एबोलिश कर दी गई और जो पावर थी वो पूरी तरह से पार्लियामेंट के हाथ में दे दी गई, यानी कंप्लीट डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हो गई। तो कुछ इस तरह दुनिया में डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म धीरे 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 पेनेट्रेट होते गई और आज का हम ये दुनिया देख रहे हैं। थोड़ा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करते हैं। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमने अडोप्ट किया था और इनेक्टेड किया था 26 नवंबर 1949 में। बाद में वो 26 जनवरी 1950 को इफेक्टिव हुआ, यानी लागू किया गया। वैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ब्रॉड और बहुत खूबसूरत है, बहुत इंटेंस है। मैं इसलिए इसे खूबसूरत बोल रहा हूँ क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं जिसने इतनी बड़ी डाइवर्सिटी को संभाले रखा है जितना हमारे इंडियन डाइवर्सिटी को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने संभाल के रखा है। तो ये
एक यूनिकनेस है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, इसलिए बहुत खूबसूरत है। हम लोग पूरा डिटेल देखने वाले हैं, तो हम लोग ज़्यादा एलोबरेट नहीं करूँगा इसमें मैं। तो तब हमने जब लागू हुआ था, तब उसमें एक प्रियम्बल था और 395 आर्टिकल्स थे जो कि 22 पार्ट्स में डिवाइड थे, और साथ साथ 8 शेड्यूल थे। फिर 17 साल बीत चुके थे और फिर उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए धीरे धीरे, हमारे समय के हिसाब से हमको जो भी मुनासिब लगा हमने उसमें वो उस तरह के बदलाव करते गए। और फिर आज जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका रूप कुछ इस तरह है कि एक प्रेम्बल है, करीब 470 आर्टिकल्स है जो कि 25 पार्ट्स में डिवाइड है। अब शेड्यूल भी बढ़कर 12 हो चुके हैं, तो कुछ इस तरह है। हम लोग इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखने वाले तो शॉर्ट में ही देखेंगे। अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हम थोड़ा सोर्स के बारे में बात करते हैं। बेसिकली इसके दो सोर्स पाए जाते हैं, एक है हिस्टोरिकल सोर्स है और दूसरा उस टाइम की जो फंक्शनल डेमोक्रेसी थी, तो उनसे हमने बहुत सारी चीज़ें बारू की थी। हिस्टोरिकल सोर्स में भी दो चीज़ें हैं, एक है ब्रिटिश रूल है और दूसरा फ्रीडम मूवमेंट है। हमें बताया कि जब ब्रिटिश इंडिया में आए तभी रूल ऑफ लॉ की कंसेप्ट हमारे इंडिया में लेकर आए, और उसके बाद में बहुत सारे उन्होंने रेगुलेशन और एक्ट बनाते गए, साथ ही साथ हमारे मेजर लॉज भी कोडिफाई करने की उन्होंने कोशिश की। आज भी IPC हो गया, एविडेंस हो गया, CRPC हो गया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, ये सारे आज भी उन्हीं के हाथों के कोडिफाई लॉ आज भी हमारे जो हमारे लीगल सिस्टम में वर्किंग है। और फ्रीडम मूवमेंट जाहिर है हमारे जो फ्रीडम फाइटर है, जो तो अक्सर हमें फ्रीडम दिलाने के साथ साथ वो चाहते थे कि जो हमारा देश है वो एक डेमोक्रेटिक और एक कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को फॉलो करने वाला देश रहे, इसलिए उन्होंने भी बहुत सारी कोशिश की थी, तो उसका भी इम्पैक्ट बहुत सारा है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर। तो हम लोग देखेंगे पैरेलली दोनों चीज़ें। हम लोग थोड़ा जो ब्रिटिश रूल है उसको देखते हैं, उसमें भी दो चीज़ें देखी जाती है। एक है सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है जो कि 1773 से 1858 तक चला था। उसके बाद में आपको हमें बताया कि 1857 का रिवोल्ट हुआ और उसके बाद में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने काफ़ी चेंजेस किए और वहीं से कहीं ना कहीं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की शुरुआत हुई, और वो हुई 1858 से लेकर 1947 तक। तो हम लोग पहले सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर देखेंगे और उसकी शुरुआत होती है रेगुलेटिंग एक्ट से। रेगुलेटिंग एक्ट समझने से पहले हमको उसका भी बैकग्राउंड देखना पड़ेगा, तभी हमें समझ में आएगा कि ये रेगुलेटिंग एक्ट लाया क्यों गया, इसके पीछे जो रीज़न क्या थे। तो कहीं ना कहीं शुरुआत होती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की इंडिया में एंट्री से। हमें सबको पता है कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ इंग्लैंड में वहाँ के मर्चेंट्स ने या व्यापारियों ने इस्टेब्लिश की थी। बाद में रानी एलिजाबेथ ने वहाँ पे कुछ रॉयल चार्टर के जरिए उन्हें इंडिया में ट्रेड करने के, इंडिया और इंडिया के जो नेबरिंग कंट्री या फिर हम लोग बोलते हैं साउथ ईस्ट एशिया में ट्रेड करने की कुछ मोनोपोली राइट्स दिए थे, जो कि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए थे। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे यूरोपियन कंपनी, यूरोपियन जो देश के कुछ ट्रेडर है वो इंडिया में नहीं आ सकते। ये मोनोपोली राइट्स सिर्फ इंग्लैंड के लोगों में सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था, यानी बाकी इंग्लैंड के दूसरे जो ट्रेडर होंगे वो इंडिया में नहीं आ सकते थे। तो इस तरह कुछ मोनोपोली राइट्स दिए गए थे। फिर वो इंडिया में आए, उन्होंने पहला अपना बेस इस्टाब्लिश किया सूरत में, तो उनकी एक पूरी एक गवर्निंग बॉडी हुआ करती थी, उसमें एक गवर्नर था और कुछ 24 मेंबर थे जो कि वन मेंबर कमेटी की तरह काम करते थे। फिर बाद में वही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बोल के जाने लगे। फिर 100 साल वो अपना जो ट्रेड है वो एक्सपांड करते रहे, उन्होंने लगभग इंडिया के कोने कोने तक अपना ट्रेड फैलाने की पूरी कोशिश की थी। और तब के जो मेजर प्रोविंस थे या फिर इलाके हुआ करते थे, जैसे बॉम्बे हो गया, मद्रास, कोलकाता, वहाँ पर उन्होंने अपना पक्का बेस बना चुके थे। अब इन 100 सालों में उन्हें बहुत सारे इंग्लैंड से या फिर वहाँ की पार्लियामेंट से बहुत सारे पावर्स या फिर बहुत सारे राइट्स मिलते गए। थोड़ा मुंबई के बारे में देखते हैं। मुंबई 1660 से पहले पुर्तगाल के पास थी। पुर्तगीज़ लोगों ने पुर्तगीज़ और इंग्लैंड के बीच में कुछ मैट्रिमोनियल रिलेशन बने, तो पुर्तगीज़ ने उन्हें फिर वो एज अ डोरी में गिफ्ट की किया था मुंबई से शहर को। बाद में वहाँ की जो किंग्स थे उन्होंने फिर कुछ साल बाद वो कंपनी को दे दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को, और ईस्ट इंडिया कंपनी पहली बार इंडिया में कोई टेरिटरी पर रूल करने लगी, पॉलिटिकली रूल करने लगी। तो सिर्फ मुंबई की हद तक ही था, मुंबई का जो आज जो मुंबई का शहर है उसका इलाका ही था। फिर बाद में और राइट्स बढ़ते गए, जैसे कि वहाँ उस टाइम में जो इंडियन जो किंग्स थे या रूलर्स थे उनके साथ फाइट करना, फिर उनके साथ ट्रीटी साइन करना, ऐसे धीरे धीरे बहुत सारे राइट्स मिल रहे थे, कॉइन इश्यू करने का राइट्स मिल रहा था। इन 100 सालों में पैरेलली इंडिया में क्या हो रहा था, मुगल बादशाह औरंगज़ेब की डेथ के बाद इतना बड़ा मुगल एम्पायर डिसइंटीग्रेट होने लगा और उनके जो गवर्नर थे वो ख़ुद को इंडिपेंडेंट रूलर डिक्लेयर करने लगे।
धीरे धीरे मुगल एम्पायर दिल्ली तक की महदूद होने लगा, लाल किले के अंदर सिमट कर रह गया। बट उसके बाद वहाँ के जो मुगल बादशाह थे उन्होंने धीरे धीरे बहुत सारे फरमान के जरिए ब्रिटिश इंडिया कंपनी को बहुत सारे राइट्स देते गए। उसमें इम्पोर्टेंट था फ्री ट्रेड का राइट्स था, और उसी राइट्स के हिसाब से ब्रिटिश जो कंपनी थी वो आगे अपना जो ट्रेड है एक्सपांड कर रही थी। तो जाहिर है जो इंडिपेंडेंट रूलर हो रहे थे उनके साथ उनका क्लैश तो होना ही था। तो पहला क्लैश हुआ बंगाल में जाकर, बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हुआ। ये हुआ उस वक्त बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला और कंपनी के बीच में रॉबर्ट क्लाइव ने एक कॉन्स्पायरेसी के ज़रिए इसे बिना लड़ाई जीत लिया। उसके फौरन बाद बैटल ऑफ बक्सर हुई 1764 में। यहाँ पर तीन कंबाइंड फोर्सेस और कंपनी के बीच में ये लड़ाई हुई। वो तीनों थे, इसमें एक था मुगल बादशाह शाह आलम और बाकी दो बंगाल और अवध के नवाब। तो यहाँ पर भी उन तीनों की हार हुई और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई। इसी के साथ साथ उन्हें उस वक्त के बंगाल रीजन में दीवानी राइट्स मिले। अब उस वक्त का बंगाल रीजन यानी आज का बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया और बंगाल का पूरा इलाका, तो ये काफ़ी बड़ा इलाका था। तो यहाँ पर उन्हें दीवानी राइट्स मिले, यानी कि एक तरह के रूल करने के अधिकार मिले, पॉलिटिकल राइट्स मिले। पर तब भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रूल करने से ज़्यादा अपने ट्रेड के जरिए पैसा कमाने में ज़्यादा रुचि थी, और उन्होंने वहाँ पर कुछ जो नवाबों के जो डिसेंट होंगे उन्हें किसी को कुछ डिसेंट को गद्दी पर बिठाया और उनके पास सारी लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी जिम्मेदारी दे दी, और अपने पास लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट्स और सिविल जस्टिस के राइट्स रखे, यानी कि जिम्मेदारी उन्हें दे दी पूरी और पावर कुछ भी नहीं दिए, और अपने पास पूरे पावर ले लिए और कोई भी जिम्मेदारी नहीं। तो इसे कहते हैं ट्यूल गवर्नमेंट या फिर दोहरी शासन व्यवस्था, और ये तकरीबन 7-8 साल चलती रही। तो जाहिर है इन 7 साल में कंपनी को रेवेन्यू की राइट्स मिल गई, रेवेन्यू कलेक्शन के राइट्स मिल गए थे, ट्रेड तो चल ही रहा था, तो कंपनी बहुत ग्रो होना चाहिए था। बट हुआ कुछ अलग ही। 1772 में कंपनी ने वहाँ इंग्लैंड में लोन के लिए अप्लाई किया। अब लोन के लिए अप्लाई किया तो वहाँ की ब्रिटिश पार्लियामेंट को भी शौक लगा कि कंपनी तो ग्रो होना चाहिए था और ये खुद लोन के लिए अप्लाई कर रहे। तो फिर एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई गई, और इंक्वायरी होने के बाद में पता चला कि जो कंपनी थी वो पूरी तरह से बैंक्रप्ट हो चुकी थी और पूरा मिसमैनेजमेंट चल रहा था। बट एक बात और यहाँ पे हैरानी वाली थी कि जो उनके जो जो सर्वेंट थे या फिर जो उनके ब्यूरोक्रेट्स थे वो बहुत अमीर हो रहे थे, यानी बहुत पैसा कमा रहे थे। तो जाहिर है करप्शन की वजह से वो कमा रहे थे। तो यही वजह से पार्लियामेंट को लगा कि कंपनी को अब रेगुलेट करने की ज़रूरत आ गई है। बट इसके दो और रीज़न थे जो कि इंग्लैंड बेस्ड थे। पहला, जो कंपनी थी वो जिस तरह ग्रो हो रही थी तो एक वो पॉलिटिकल एंटिटी की तरह धीरे धीरे ग्रो होने लगी थी, तो एक पैरेलल गवर्नमेंट की तरह वो डेवलप हो रही थी। तो वहाँ की पार्लियामेंट को लगा कि इसे अभी कंट्रोल करना ज़रूरी हो गया है, वरना ये कि पैरेलल गवर्नमेंट रहेंगी, तो इसलिए भी ज़रूरी हो गया था। और दूसरा एक रीज़न था कि जो ब्रिटिश जो कंपनी के जो सर्वेंट थे या जो ब्यूरोक्रेट्स थे, जो ऑफिशियल थे, वो बहुत पैसा वहाँ कमा रहे थे और अमीर हो रहे थे। तो वहाँ के जो बाकी जो मर्चेंट है ब्रिटेन के उस टाइम के, तो उन्हें भी लगा कि हमें भी जो ये मोनोपोली जो कंपनी को मिली है वो उन्हें ना रह के हमें भी राइट्स मिले ट्रेड करके, ताकि हम भी वहाँ इंडिया में पैसा कमा सकें। तो वो भी वहाँ की पार्लियामेंट पे एक प्रेशर बनाने लगे। तो इन्हीं कारणों की वजह से फिर रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। मैं पहले आपको थोड़ा पैरेलल गवर्नमेंट के कंसेप्ट को क्लियर कर देता हूँ। जो ब्रिटेन के जो पार्लियामेंट्रियन थे ना, उन्हें एक लगने लगा था कि जिस तरह ये कंपनी ग्रो हो रही है और एक्सपांड हो रही है, तो एक दिन ये कहीं ना कहीं एक सोरिंग अथॉरिटी बन जाएंगी और हमारा इस पर से कंट्रोल हट जाएगा, जिसे यूनाइटेड स्टेट में हुआ था अमेरिकन रिवॉल्यूशन के टाइम पे। तो ये फिर से नहीं चाहते थे, और इसलिए वो चाहते थे कि इसे कंट्रोल में किया जाए। इसे बोलते हैं कि पैरेलल गवर्नमेंट ना बने, ये कुछ ऐसा था। अब हम थोड़ा देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में देखते हैं। ये पहली स्टेप थी जब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट या कंट्रोल करने की कोशिश की, उसके फंक्शन या उसके अफेयर को। अभी तक हमने देखा है कि वो सिर्फ उसे दे रही थी अलग अलग तरह के राइट्स, जैसे कॉइन इशू करने का राइट्स, बैटल करने का राइट्स, या किसी से ट्रीटी साइन करने का राइट्स। तो अभी तक दे रही थी, पहली बार वो उसे कंट्रोल करने का उन्हें कोशिश की है इस एक्ट के ज़रिए। दूसरी बात, यहाँ पर वहाँ की गवर्नमेंट ने मान लिया था कि ये अभी जो कंपनी, ये ट्रेडिंग कंपनी नहीं ना होकर, यह
ये पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन काम देखने वाली एक एंटिटी बन चुकी है, तो कहीं ना कहीं उसके पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को रिकॉग्नाइज किया गया है यहाँ पे। साथ ही साथ यहाँ से पहली बार जो सेंट्रलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हुई। वो कैसे? इससे पहले क्या हुआ करता था कि अलग अलग प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, जैसे बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी या फिर बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो ये अपने काम इंडिपेंडेंटली किया करते थे, इनका आपस में एक दूसरे से कुछ लेना देना नहीं था, ये अपने अपने फंक्शन देखते थे और अपने अपने तरह से अपने डिसीजन लिया करते थे। तो अब यहाँ से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा था कि अब इसको रेगुलेट करना है, तो इतना बड़ा इलाका है तो इसको थोड़ा सेंट्रलाइज करेंगे और उसको सेंट्रलाइज करने के बाद में रेगुलेट करेंगे। और जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, सॉरी गवर्नर ऑफ बंगाल है, उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया, जो कि लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग थे। और उसके बाद में जो जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी है उसको जो बंगाल प्रेसिडेंसी है उसका सबॉर्डिनेट बनाया गया, यानी एक तरह के कह सकते हैं कि जो गवर्नर जनरल बंगाल रहेंगे उनका डायरेक्ट कंट्रोल रहेगा किन पर, ये गवर्नर ऑफ बॉम्बे पे और गवर्नर ऑफ मद्रास पर, यानी उनको एक तरह का उनका सबॉर्डिनेट बनाया गया। और इस तरह सेंट्रलाइजेशन की पूरी प्रोसेस स्टार्ट हुई। साथ ही साथ एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई, उसमें एक गवर्नर रहेंगे और चार अदर मेंबर रहेंगे, और ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो रहेंगी वो सिविल और मिलिट्री अफेयर देखेंगे कंपनी के। अभी तक हमने देखा कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे वो पूरा ट्रेडिंग का पूरा काम संभालते थे, बट अब जो कंपनी ये ट्रेडिंग कंपनी ने रखी है उसका पॉलिटिकल और मिलिट्री अफेयर भी करने लगी है, तो उसके थोड़े फंक्शन अलग किए। एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल रहेंगी वो सिविल और मिलिट्री फंक्शन देखेंगे, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो रहेंगे उसका वो ट्रेडिंग के काम देखेंगे। तो कहीं ना कहीं इनके फंक्शन अलग किए गए। साथ ही साथ 1774 में वहाँ पर बंगाल में यानी कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट हुई। उसमें एक चीफ जस्टिस हुआ करते थे, और थ्री जजेस भी थे। जो ये कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है इसका जुरिस्डिक्शन था ना तब का जो बंगाल रीजन था उसी के हद तक था, और इसको एक अपीलेट कोर्ट बोलकर भी बनाया गया था। उसके बाद जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे इन्हें हर साल अपने जो रिवेन्यू और पॉलिटिकल और मिलिट्री अफेयर है ना, इसकी रिपोर्ट वहाँ की पार्लियामेंट को सबमिट करनी थी। जैसे अभी हम हमारे इंडियन जो गवर्निंग सिस्टम है उसमें कुछ हमारी इंडिपेंडेंट बॉडीज़ है, जैसे इलेक्शन कमीशन हो गया, फाइनेंस कमीशन हो गया, ये हर साल अपनी एक रिपोर्ट ना पार्लियामेंट को सबमिट किया करते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को भी अपने सिविल रिवेन्यू और मिलिट्री जो अफेयर थे उसकी एक रिपोर्ट सबमिट करनी थी, यानी डायरेक्ट कंट्रोल कंपनी पर डायरेक्ट पार्लियामेंट का कंट्रोल यहाँ पर इस्टेब्लिश हो गया था। और कंपनी के जो सर्वेंट थे और जो उसके ब्यूरोक्रेट्स थे उनको ना जो प्राइवेट ट्रेडिंग करना प्रोहिबिट किया गया, साथ ही साथ जो नेटिव से वो लोग गिफ्ट लेते थे और ब्राइब्स लेते थे वो भी बैन कर दिया गया था। इसकी ये वजह थी कि इसकी वजह से बहुत सारा करप्शन होने लगा था, और जो ब्यूरोक्रेट्स थे या फिर जो सर्वेंट है कंपनी के वो इस तरह के कामों में उलझ कर कंपनी का मतलब जो दिवालिया हो गई थी यही वजह थी कहीं ना कहीं। तो ये कुछ थे कंपनी के सॉरी रेगुलेटिंग एक्ट के कुछ फीचर्स हमने देखे अभी। आई होप आपको समझ में आया होगा ये सब चीज़ें। अगर आपको ये मेरा काम अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।